हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले ऑफ पोकेमोन स्काइस। हाँ, इसका नाम मैंने शॉर्ट में स्काइस रख दिया है। तो मैंने पिछली बार इस मेंशन में काफ़ी अच्छी सफरिंग कर ली थी, पर अभी भी लगता है कुछ काम अधूरा रह गया था। तो उस काम को पूरा करना होगा भाई हमें, तभी आगे जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इस पूरे मेंशन में ये रास्ते नहीं गया, और यहाँ जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे मैंने ऑफलाइन में थोड़ा बहुत जाने का रास्ता देख लिया था, तो चलिए चलते हैं उस जगह पे। देखो देखो कौन आया, ये देखो, इस रास्ते से हम नहीं गए थे, और ये बंद है तो कोई नहीं, इसको अभी दरवाज़ा तोड़ देते हैं, खोल देते हैं। तो ये लो ये मुझे ऐसा कह लग रहा कि वहीं आ गए घूम फिर के। ये क्या हो रहा है? ओहो, एक तो पोकेमॉन परेशान कर रहे हैं इसमें बहुत, काश की रिप्ले होता। ओहो, ये रास्ता बंद हो गया, आप कहाँ से जाएंगे आप? वैसे ये गेम प्ले किसको किसको पसंद आ रहा है वो वीडियो को लाइक करके बताएं और कमेंट भी करें, क्योंकि कोई कमेंट ही नहीं करता तो पता ही नहीं चलता भाई कि वीडियो अच्छी लग रही कि नहीं, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँ। ओ हाँ, ये दरवाज़ा खुल गया है ना, यहाँ तो हम नहीं गए थे अभी तक। चलो, अरे कूदना था कि नहीं कूदना था? देखो देखो देखो, फिर से आ गए पोकेमॉन। ओ, देखो, अगर आपके पास रिप्ले नहीं है तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो जिससे पोकेमॉन नहीं आएंगे। आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे जैसे मैं चल रहा हूँ, रुक रुक के थोड़ा, इससे आपको पोकेमॉन परेशान नहीं करेंगे और आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। लेकिन ये रास्ता खुल गया है तो, ओ भाई, ये तो नई जगह लग रही है। चलो पढ़ के देखें, तो ये आँखें हैं, ठीक है, तो एक आँख वहाँ लगा देता हूँ, रेड ऑर्ब, और ये रहा अपना ब्लू ऑर्ब। आप देखते हैं क्या होगा, क्या ग्राउंड ऑन का ऊपर आएंगे ये? ओ वहाँ पर मतलब रास्ता बन चुका है, चलेगा वहीं। चलो चलते हैं अब उस जगह पर। तो हम आए तो यहाँ से थे, तो ये डेडेंट है, इस तरफ से चलते हैं। ओ ओ ओ, देखो मिल गया रास्ता। चलो, ये देखो, ये सब पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, फिर एकदम से आ जाते हैं। हाँ, तो ये जगह यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मुझे भी। तुम सबको गड़बड़ लग रही है? मुझे तो बड़बड़ लग रही है, यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई तो हो सकता है। हाँ हाँ, कुछ भी। ये देखो, फिर से मेरे अंदर चले गए। क्या इनसे बात करनी है? कुछ नहीं हो रहा। ओह, शायद ये लिखा हुआ से। ओह, यहाँ लिखा है पॉकेट प्ले के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कर दीजिए लाइक। ये क्या कह रहे हो? जो वहाँ लिखा था वो क्यों नहीं कहा? मुझे लगा अपने वीडियो का प्रमोशन कर देना चाहिए गेम के जरिए। ओह, मुझे लगता है इस क्रिस्टल में ज़रूर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है ये? कुछ, चलो पढ़ के देखते हैं। इंगली की टिंगली हो जा पिंगली, अरे हमसे तो कुछ नहीं हुआ। चलो अब ये मंत्र तुम दोनों बोलना जरा, ठीक है? इंगली की टिंगली हो जाए पिंगली, हो जाए पिंगली। अरे ये क्या भूकंप आ गया क्या? ओ, ये कैसा पोर्टल सा खुल गया है। इस पोर्टल में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है हम सबको चलना चाहिए। ये क्या सब मेरे अंदर चले गए, बोले हम सबको चलना चाहिए। अरे ओह, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी दुनिया है? ये दुनिया तो अजीबो गरीब है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इस पोर्टल के जरिए वापस चले। नहीं, हमें जितने भी यहाँ क्रिस्टल हैं सब इकट्ठा करने होंगे। यहाँ हर टाइप के क्रिस्टल्स हैं, जितने भी पोकेमोन के टाइप हैं उतने क्रिस्टल्स हैं यहाँ। यानी 18 क्रिस्टल होंगे क्या? क्या पता, हो भी सकते हैं। इतनी क्रिस्टल इकट्ठा करते करते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे तो मैं पहले चुपता हूँ। ओह हो, तो चलो बिना बकवास किए क्यों ना हम सब अलग अलग जाएं। एक है सब मेरे अंदर आ गए, बोले अलग अलग जाएं। चलेगा वापस? अरे बेटा, वापस नहीं जा सकते। चलो पहले ये वाला क्रिस्टल उठाते हैं। ये कौन सा क्रिस्टल है? ये है आइस सैर्ड, जिसे तुम क्रिस्टल कह रहे थे। ओह, लगता है थैनोस बनना ही पड़ेगा। सारी अनंत मणि को हम इकट्ठा कर लेंगे और चुटकी बजाते ही दुनिया गायब। तो ये कौन सा स्टोन है?
ये है फोर्स हेल्थ। ओके चलो फाइटिंग टाइप के लिए है ना ये। अगला देखते हैं, ये पक्का घास टाइप के लिए होगा। ये फॉरेस्ट स्टैंड घास टाइप एनर्जी बढ़ा देता है। ओके चलो, अरे हटो ना रास्ते से, क्विक। ये कौन सा है? अच्छा एक लाइन से दिया है तो अपन को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये है स्टॉर्म सैड, ये इलेक्ट्रिक टाइप पावर बढ़ा देता है, देखा ही पता चल रहा है। चलो आगे चले यार। ठीक ये कौन सा है? ये है सोल सैड, ये तो ये पॉइजनस बढ़ा देता है। अच्छा तो अटरे सामने से तो हटो। अरे अरे रास्ता देख रहे हो, कहीं गिर भी नहीं सकते। ओ तो साहिल तुमने तो कमाल ही कर दिया, हमें बिल्कुल नई जगह ले आई। ओ वो देखो, चलो हीरा चुरा ले। अरे चुट्टा नहीं हम लोग। हाँ चलो कोई नहीं, इसको उठा लेते हैं। ही आप लोग सोल डियो है ना? व्हाट इज सोल डियो? हाँ यार ये सोल डियो क्या है? तुमने लेटियास और लेटियास वाली मूवी नहीं देखी क्या अभी तक? तुम लोग बेकार बच्चे हो, तुम लोग पोकेमॉन के फैन हो कि नहीं? नहीं हम लोग पोकेमॉन के एसी हैं। तो चलो हटो सामने से, हटो जाओ सामने से, लोटियस खड़ा है। अरे ये कौन आ गया? तुम सब हमें बुलाया और हम दौड़े चले आए बुड्ढे। बुड्ढा किसे कहा? ओ सॉरी बॉस। ओ हमें दूसरों की रिक्वेस्ट करना चाहिए, तुम लोगों ने जो भी यहाँ किया है वो काबिले तारीफ है। मेरा नाम है क्रेटिजाना और ये है फ्रिंजा। हाँ मैं हूँ फ्रिंजा और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो भी तुमने किया है वो यहीं छोड़ के चले जाओ, समझ गए? ओह लगता है ये टीम रॉकेट वाले हैं। क्या तुम हमें वो बुद्धू टीम रॉकेट समझे हो? हम हैं अलग। ओ मुझे डर लग रहा है। डरने की ही तो बात है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब हमने सारे स्कैट इकट्ठा कर लिए हैं और अब लेटियास आएगा। सच में? हाँ तो क्या मैं यहाँ रहूँ कि ना रहूँ? अगर मैं हाँ कह देता हूँ चलो चलते हैं, बस इनसे फाइट ना करनी पड़े। वैसे फाइट से मैं डरता नहीं हूँ, हो जाए। साहिल चलो चले। हे कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो, छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, हमसे नहीं खेलोगे? वो ये लोग तो काफ़ी डरावने हैं। साहिल तुम कुछ करोगे? हाँ वो यार इनके पोकेमॉन तो देखो। ओ भाई ये कौन सी टीम है? टीम टी है का नाम इनका? फ्रॉकी के सामने 22 लेवल का ग्लेली। अब का ही होगा फ्रॉकी का वो? ओ भाई साहब मेगा ग्लेली, मेरी तो आँखें देख के फट गई। अब आवरा काका ले लो, भाग जाए। देखते हैं अगर मैं टेलीपोर्ट यूज करूं। वैसे भी टेलीपोर्ट डैग तो है, लो जीत गए। ओ ये क्या हो गया साहिल? ये क्या, मेरे को तो बेहोश कर दिया इन्होंने। अब ओ नो, ईमा को भी बेहोश कर दिया, अब क्या होगा? तो इस गेम में सब बेहोश हो गए हैं। अरे सोल लियो का राज इन दोनों टीम रॉक टीम टेंडर है। लो भाई हम लोग, अब लगता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी। देख रहे हो ना कैसे सारे क्रिस्टल गायब हो रहे हैं। हा, हमारा प्लान काम कर रहा है, सही कहा, बस ये जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चले वापस चलो। ओह मेरे को होश आ गया, ये जगह इतनी भूकंप जैसी क्यों लग रही है? हाँ तुम सब ठीक हो ना? अरे सब बेहोश क्यों हैं? साहिल मुझे सोने दो, नींद आ रही है। अरे साहिल मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि हम खतरे में नहीं हैं तो मैं मस्त सो रहा था। जल्दी सबको उठाओ, उठो ईमा। अरे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे अंदर चले जाती हूँ रूही। अरे प्रोफेसर विलियम्स, अरे क्या हुआ? आप भी आ जाइए, क्यों सबको मेरे जेम के अंदर घुस गए हैं? आप कहाँ जाना है? जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं भूकंप में तो सब ख़त्म हो जाएगा। रास्ता रास्ता, गुड गुड गुड।
नया सारे क्रिस्टल लगता है लोग चुरा लिए। हाँ एक तो मेरे लिए बचा देते, लगता है सही में थैनोस बन के आए रहे लोग। ओ जल्दी, ये क्या, यहाँ तो पोर्टल ही नहीं है, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? मुझे काफ़ी डर लग रहा है। ओ मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, पर अब ये अंत है। ओ ये कौन है? मेरा नाम है हुई। तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे, चलो। पर ओ आखिर ये लोग हैं कौन? गार्डियंस, मतलब मैं भी। ओ टीम थंडर ने ये जगह को ख़त्म कर दिया है और यहाँ के गार्डियंस गुस्सा आ गए हैं, हमें वो सारे क्रिस्टल वापस लाने होंगे। हमें एक मौका दो, हम ज़रूर ले आएंगे। अच्छा तुम सब की वजह से ये सब हुआ है, तुम लोग ले आओगे? हाँ हम तुम्हें एक मौका देते हैं, जाओ और सारे क्रिस्टल लेके आओ। ठीक है तो दोस्तों हमें चलना चाहिए और वो सारे क्रिस्टल ले आने चाहिए टीम टेंडर से, चलो। तो क्या होगा आगे, क्या हम सारे क्रिस्टल ला पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा ओनली ऑन पॉकेट प्ले।